नमस्कार मेरे टूर को सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सब दुख तकलीफों से मुक्त एकदम बढ़िया जिंदगी जी होंगे। एक सुपरस्टार जब किसी ऐसी मूवी को साइन करता है जिसमें उस डायरेक्टर के पास इतना पोटेंशियल है कि वो उस सुपरस्टार के सुपरस्टारडम को फोकस कर सके, उसे प्रेजेंट कर सके, उसको एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना सके, तो भाई साहब फैंस क्यों ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। यही कारण है कि शाहरुख खान सर की जो जितनी भी मूवीज अपकमिंग आ रही, इवन पठान, भाई साहब सिद्धार्थ आनंद सर के साथ जिन्होंने वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, साल की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी, उसके बाद से एटली कुमार की पिक्चर और अब राजकुमार हिरानी सर की मूवी, लेकिन जितनी भी मूवीज आ गई इसमें सबसे ज्यादा जो भी लोग एक्साइटेड हैं वो इस फिल्म के लिए, जिसका नाम आज टाइटल अनाउंस हुआ है डंकी। भाई साहब मतलब डंकी थोड़ा फनी सा नाम लगता है, शाहरुख खान भी ऐसे एक्शन कर रहे, डंकी क्या पता नहीं क्या बना रहे हैं। और जो भी टाइटल का अनाउंसमेंट वीडियो आया है, मूवी की अनाउंसमेंट एक वीडियो के जरिए की गई जो कि देख के काफी अच्छा लगा। जैसे पठान और टाइगर थ्री का वीडियो आया था, ये चीजें देख के काफी अच्छा लगता है कि हाँ बॉलीवुड भी अब ऐसे एक अलग लेवल का थोड़ा राह अपना रहा है कि मतलब कोई भी पिक्चर आए तो उसका अनाउंसमेंट का वीडियो जरूर डालो, उसमें थोड़ी बहुत उस पिक्चर के बारे में बात करो ताकि ऑडियंस और ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। और राजकुमार हिरानी सर शाहरुख खान सर आपस में काम कर रहे हैं तो भाई साहब एक्साइटमेंट तो अलग लेवल पे जानी है। बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो 2023 क्रिसमस का या 22 दिसंबर 2023 का इसका रिलीज डेट होने वाला है। अच्छा हाँ, रिलीज डेट से एक चीज और याद आती है कि BMCMO बड़े मियां छोटे मियां एक जो मूवी थी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की, पिछले महीने उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, इवन 2 महीने पहले, उस फिल्म के लिए भी शायद से रिलीज डेट यही है। लेकिन आज के टाइम पर जिस तरह से बॉलीवुड के हमारे स्टार्स एक साथ आने को तैयार है, कोलैब कर लेते हैं, अभी जैसे देखो विमल के एड के लिए दोनों स्टार्स साथ में आए थे, तो इससे एक बात तो जाएगा कि भाई क्लैश नहीं होगा, एक आध पिक्चर आगे पीछे हो जाएगी। वैसे फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं रिवील किया गया, सिर्फ अनाउंसमेंट का वीडियो ही था, लेकिन लास्ट में टाइटल जिस तरह से वो डिजर्व से निकल के आता है, ऊपर एक प्लेन जा रहा होता है, कुछ लोग चल रहे होते हैं, उससे एक चीज तो पता चलती है कि राजकुमार सर जिस तरह की फिल्में बनाते हैं वो अपने एक कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस होती है, एक व्यक्ति की जर्नी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए सोशल इशूज के साथ और थोड़ी बहुत कॉमेडी, तो उसी टाइप की मूवी होने वाली है। शायद से डंकी जो टाइटल दिया गया है ये जो है किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कुछ भी हो उस तरह से, तो देखने के लिए मतलब क्यूरियोसिटी तो बढ़ चुकी है ना पिक्चर के लिए। अब आप कितने एक्साइटेड हो ये जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, पिक्चर के लिए एक्साइटेड हो, शाहरुख खान सर के फैन हो, तो यार इतनी सारी बातें होने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना भाई। मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद।